जय सेवा जय मूल निवासी। मैं हरीश उइके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। आज जागतिक मूल निवासी गौरव दिन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ट्राइबल लोगों को यह दिन मनाने के लिए सभी राष्ट्र को सूचना दी है, और उसी हिसाब से हर जगह हर राज्य के अंदर में मूल निवासी दिन मनाया जा रहा है। मगर दुख की बात यह है कि जो ट्राइबल इस देश का मूल निवासी है, यहाँ का मूल वंशज है, आज उसके अंदर उसके ऊपर में हर दिन मतलब कहीं मारा जा रहा है, तो कहीं उसको पीटा जा रहा है, तो कहीं उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं हमारे महिला शक्ति को मातृशक्ति को नंगा किया जा रहा है। ऐसी मणिपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है, और आज हम लोग जिस तरह से जो मूल निवासी दिन मनाते थे हर्ष और उत्सव से, वो आज सभी ट्राइबलों के बीच में एक रोष है कि जहाँ का मूल निवासी यहाँ का मूल बासिंदा उसके ऊपर से इस प्रकार से अन्याय क्यों। ये तो किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता, मगर यहाँ की शासन प्रशासन ये जानबूझ करके हम आदिवासी पे यहाँ के मूल निवासियों पे अन्याय अत्याचार कर रही है। इसका हम ये आज जो रैली निकाले हैं, मूल निवासी दिन जो मना रहे हैं, वो एक तौर से हम निषेध भी कर रहे हैं सत्ता और सत्ता पे रहने वाले शासन, यहाँ के जो सत्ता पे रहने वाले जो ठेकेदार हैं उनका विरोध कर रहे हैं। और आज गौरव दिन है, हमको खुशी होना चाहिए, सब लोगों ने हमें सपोर्ट करना चाहिए था, सब लोगों ने मिलकर ये गौरव दिन मनाना चाहिए था। मगर मूल निवासी दिन आज ट्राइबल समाज मना रहा है, एक तरफ ट्राइबल समाज खुशी भी मना रहा है, दूसरी ओर रो भी रहा है, क्योंकि हमारी माता मणिपुर की घटना को लेकर अगर बात करें तो मणिपुर के अंदर में जो मातृशक्ति, जिस देश के अंदर में माता को प्राधान्य है, उस देश के अंदर में कहीं दुर्गा के नाम से, कहीं सरस्वती के नाम से, कहीं लक्ष्मी के नाम से उस माता को पूजा जाता है, और वही एक तरफ में यहाँ के भेड़िए नोचने वाले ऐसे कुछ भेड़िए हैं जो हमारे मातृशक्ति को सरेआम नंगा कर करके घुमाते, उनकी इज्जत का सरेआम धज्जा उड़ाइए। ये सर से ये सभी मानव जाति को शर्मसार करने वाली घटना है, मगर ना यहाँ का प्रधानमंत्री उसके ऊपर में कोई टिप्पणी कर रहा है, ना एक्शन ले रहा है। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री है वो उसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, ना ही कोई मतलब वहाँ पे अनुशासन लगा रहा है। ये दुख की बात है। आज हम सभी ट्राइबल समाज इस मूल निवासी दिन के माध्यम से इस घटना का, हमारे ऊपर जो पेशाब किया जा रहा है, हमारे आदमी को कहीं घोड़ी पे बैठने के ऊपर मारा जा रहा है, हमारे आदमी को कहीं महिला खिलाया जा रहा है, हमारे आदमी को कहीं गाड़ी से घिसीट करके मारा जा रहा है, इन सभी घटनाओं का हम आज निषेध करते हैं। और मूल निवासी दिन ये हमारा ट्राइबल के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूनो ने जो दिया है उसके ऊपर गौरव करते हुए, हम संविधान को सामने रखते हुए संविधान की बात को, हमारे अधिकार की बात को और संविधान को मानते हुए हम ये मूल निवासी दिन आज मना रहे हैं। अंत में आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके ऊपर क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मगर कैसा होना चाहिए, यहाँ ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब एरिया 1, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची हर क्षेत्र के अंदर में जहाँ ट्राइबल है वह संविधान के तहत में मतलब लागू है, जल जंगल जमीन का अधिकार संविधान के तहत लागू है। मगर सिविल कोड लाने से क्या होगा कि हम लोग यहाँ के ट्राइबल जो लोग हैं वो सभी लोग मतलब गरीब है, गरीब तबके के लोग, एक तरफ अमीर तबके के लोग हैं, दूसरी तरफ गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ ट्राइबल के पास में कहीं के किसी के पास में 5 एकड़ ज़मीन है तो किसी के पास में 2 एकड़ ज़मीन है, और जो पूंजीपति लोग हैं उनके पास पैसा भी है और उनके पास में अरबों खरबों की ज़मीन भी है। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले समान नागरिक कायदा लागू अगर करते हो तो ट्राइबल को भी समान बनाओ और अमीरों को भी समान बनाओ, ताकि यहाँ पे ऊंच नीचता की जाति भेद और धर्म भेद भी नहीं होना चाहिए, और ट्राइबल के जो राइट्स है 5वीं अनुसूची के तहत में 244 के तहत में वो ट्राइबल के जो पारंपरिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। हम सगा समाज आज इकट्ठा हुए हैं, एक आज हमारा गौरव दिन है, गौरव दिन मानने के लिए हम तो इतना उत्साहित है, लेकिन आज हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार हमारे छोटे छोटे बहना हो महिला वर्ग हो इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके निषेधार्थ हमने ये कर रहे कि हमें आज गौरव दिन मनाने के भी उत्साहित नहीं है। क्यों नहीं है कि आज हमारा मणिपुर का जो मुद्दा है, हमारे बहनाएं उनके साथ जो जुलूम हुआ है, वो अत्याचार के विरोध में हम आज इकट्ठा पूरा समाज आप खड़े हैं। क्यों कि आज हमारा समाज के ऊपर कोई शासन नहीं का ध्यान नहीं है, ना कोई संदेश नहीं है।
फिर भी आज देख रहे हो हमारा कितना समाज पूरा उतरा हुआ है रोड पे, कोई उत्साहित नहीं मना रहा है। इस तरह से हम पहले त्योहार मनाते थे आदिवासी गौरव दिन के इससे, लेकिन आज हम त्योहार नहीं मना रहे, हम निषेध कर रहे मणिपुर का, इस निषेध कर रहे। इसलिए हम शांति से हम पूरा किसी को कोई आघात ना पहुंचाते। हम ये संरक्षण कहाँ है हमारे पास, क्या दिया है हमको संरक्षण? आदिवासी को वंचित रखा गया है, हमारे सहूलत से हमको वंचित रखा गया है, हमारे जल जंगल जमीन से वंचित रखा गया है। क्या है हमारे, कुछ नहीं है। क्या करेंगे शासन के इस फैसले के विरुद्ध में हम निषेध आरती मोर्चा निकाला गया है हमारा आज का। इतनी संदेश यही बोलना चाहूँगा मैं जी, बिल्कुल वही मुद्दा है और कुछ मुद्दा नहीं है। हम जोरों शोरों से मनाते थे हमेशा हमारे प्रोग्राम जो भी है हमारा, बट आज के डेट में जो भी मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए हम सरकार से शासन से अनुरोध करते हैं जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा दी जाए बस। आज ये विश्व आदिवासी दिन के उपरांत हमें एक दर्द हो रहा है कि हमारे भाई लोगों के ऊपर हो रहा है जो अन्याय अत्याचार है उनके खिलाफ, जो दोषी लोग हैं उनको फांसी पे चढ़ना चाहिए। आज इतना बड़ा दिन हम मना रहे लेकिन हमारे भाई के ऊपर होने वाला जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम शांति से ये प्रोग्राम आज आदिवासी विश्व दिन मना रहे हैं। आदिवासी ये इंडिजिनस पीपल है, अगर यूसीसी लगाएंगे तो आदिवासी का जो उनके जो ट्रेडिशन है उनको कैसे टैकल करेंगे गवर्नमेंट? जो हिंदू में अलग है, मुसलमान में अलग है, अलग अलग इसमें है, लेकिन यूसीसी अगर यूनिफॉर्म बिल को ट्राई कर तो आदिवासी इससे अलग ही हो जाएंगे। यूसीसी में आदिवासी फिट बैठते ही नहीं। सरकार को क्या मैसेज देंगे यूसीसी के ऊपर? सरकार तो चाहूँगा कि यूसीसी लाए ही नहीं, अगर लाना है तो आपको आदिवासी को अलग रखना पड़ेगा उससे। ये जो प्रधानमंत्री के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं होना चाहिए। यहाँ के प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और वहाँ पर ही बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, महिलाओं के सरेआम नंगा करके घुमाया जा रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे काम के जो बोलता है कि एक तरफ मैं ये देश का चौकीदार हूँ और पूरे देश की मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी थी हमारी, देश की जो मूलधर प्रॉपर्टी सबको बेच दिया है। अभी तो अधिग्रहण कायदा, जो जमीन अधिग्रहण कायदा उन्होंने जो लागू किया है, 5 दिन पहले उन्होंने ये कायदा लागू किया है, संसद में पास भी हो गया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की जल जंगल जमीन छीनी जाएंगी तो वो ट्राइबल लोगों की छीनी जाएंगी, क्योंकि बहुतांश ट्राइबल आदिवासी ये जंगल क्षेत्र में बसा हुआ है। वह आज ट्राइबल है करके जल और जंगल जमीन बचा हुआ है, नहीं तो इस देश के अंदर में जल और जंगल कहीं बचा नहीं होता। ये ट्राइबल की देन है, इन लोगों ने समझना चाहिए। सत्ता पे बैठने के बाद में इनको इतना घुमार आ गया, इनको इतना मतलब ये लग रहा है कि हम यहाँ के राजा बन गए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ट्राइबल समाज जो है हमारा ये बर्दाश्त नहीं करेगा।